हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच हैज़ लार्जर साइज इन ईच पेयर। यहाँ पर सिर्फ एक पेयर दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से, इन दोनों में से किसका साइज बड़ा है, ऑटो माइनस का साइज बड़ा है या फ्लोरिन माइनस का साइज बड़ा है। यहाँ पर हमें आयंस के साइज बताने हैं कंपैरेटिवली कि किसका साइज बड़ा है। और यहाँ पर एग्जाम पेपर में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आयंस का साइज आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से किसका साइज बड़ा है। तो आयंस का साइज किस पर डिपेंड करता है, कैसे आप आयंस के साइज को डिफाइन करेंगे, कैसे इसका कंपेरिजन करेंगे और कैसे बताएंगे कि कौन सा साइज किस आयंस का साइज बड़ा है, तो वही इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, जैसे O2- और F- है और हमें पता लगाना है कि O2- का साइज बड़ा है या फिर F- का साइज बड़ा है, ठीक है, या फ्लोरीन माइनस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इन दोनों का। द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2- एंड F- आर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसके अकॉर्डिंग इनका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2.6 होगा और फ्लोरीन का 2.7 होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर चार्ज लग गया है माइनस का चार्ज, तो यानी हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घटाने भी पड़ सकते हैं, बढ़ाने भी सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि माइनस का चार्ज लगा है या प्लस का चार्ज। अगर यहाँ पर 2 माइनस लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें दो इलेक्ट्रॉन और भी ऐड करने हैं। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2.6, पहले टोटल जो है 6 और 2 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और भी बढ़ा दो तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 6 में 2 और प्लस कर दो तो टोटल कितने हो गए, 2.8, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, दो हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए हैं। फ्लोरीन पर सिर्फ एक माइनस चार्ज है, यानी हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 और 2 9 पहले थे और एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, तो 8 और 2 10, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में हम ये नहीं कह सकते कि किसका साइज बड़ा है, हम नहीं पता लगा सकते, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल बराबर है। 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो O2- में है, F- के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम प्रोटॉन देखते हैं। अगर आप ऑक्सीजन में देखें तो इसमें 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, फ्लोरीन के केस में देखें तो इसमें 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी फ्लोरीन में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ज़्यादा होगा, जिसके कारण इसका जो साइज है वो छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का जो साइज है वो कंपैरेटिवली O2- के छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको पता लगाना होता है, राइट। लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। बोथ द आयंस हैव द सेम नंबर ऑफ सेल्स, दोनों आयंस में नंबर ऑफ सेल्स भी सेम है, बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द केस ऑफ O2- इज लेस। O2- में यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं O2- में और यहाँ पर 9 है फ्लोरीन के केस में। आगे लिखेंगे आप इसमें, दस द इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड लेस स्ट्रॉन्गली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इन द केस ऑफ O2- माइनस आयन देन फ्लोरीन माइनस आयन, हेंस द साइज ऑफ O2- माइनस इज लार्जर देन दैट ऑफ F- माइनस आयन। तो पूरी कहानी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था इसी के बेस पर, एक्सप्लेनेशन आप इसी प्रकार से दे सकते हैं। इसका कंपेरिजन करके आपको बताना होगा कि बोथ द आयन्स हैव ए सेम नंबर ऑफ सेल्स, दोनों आयन्स में सेम नंबर ऑफ सेल्स हैं, बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम देखें O2- माइनस में तो वहाँ कम है, या आप कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज F- माइनस के अंदर ज़्यादा है, राइट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।